हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया है। सो नई एप्लीकेशन रिलेटेड अपडेट के लिए कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप साइन अप कर सकते हैं या कैसे आप अपना कोर्स देख सकते हैं एप्लीकेशन में, उसमें आपकी सहायता करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर कौटिल्य GS टाइप करना है और कौटिल्य GS का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक लॉगिन के लिए एक पेज अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको OTP का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे आपको एक 4 डिजिट का OTP आएगा, जो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा अभी वो ऑटो डिटेक्ट हो गया है। आप मैन्युअली भी उसको डाल सकते हैं। उसके बाद वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी और फिर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाता है। इन केस अगर आपको अपना कोर्स नहीं दिखाई देता है, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं, ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे मेन्यू वाले, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन आउट का जो बटन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन साइन आउट हो जाता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यूज़र हैं, यानी कि आपने हमारे पुराने एप्लीकेशन में अगर कोई भी कोर्स परचेज किया है और आपको वो चेक करना है कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको स्टेप वाइज गाइड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे आना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर आपको कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको जो ईमेल है वो अपना यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर आपको प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है और OTP के लिए इंतज़ार करना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे गया होगा। याद रखिए, यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी यूज़ करना है जिसके थ्रू आपने हमारे पुराने एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज किया था। आपको OTP के लिए इंतज़ार करना है और जैसे ही OTP आता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये एक 4 डिजिट का OTP होगा। OTP पे डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाता है। आपका जो परचेज कोर्स है, आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन के टॉप पे ही दिखाई दे रहा है, या फिर आप प्रोफाइल में जाके कोर्सेज पे क्लिक करके भी देख सकते हैं जो कि आपने परचेज किया है। आपको जो कोर्स आपने परचेज किया है उस पर क्लिक करना है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप आराम से देख पाएंगे। कंटेंट के लिए आप कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस, टेस्ट या फिर कोई भी आपका स्टडी मटेरियल वगैरह आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कोई भी PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको राइट साइड एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक छोटा सा एरो है डाउन साइड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे स्टोरेज की परमिशन मांगेगा। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो PDF है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और वो आपके इंटरनल स्टोरेज में मिल जाएगा आपको।